अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नम्स एंट्री टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक की थी और इस वीडियो में हम नम्स टेस्ट में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चेक करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट नम्स टेस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना चाहता है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। डियर स्टूडेंट्स, नम्स टेस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को लैपटॉप या डेस्कटॉप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट numspark.edu.pk पर आना होगा और यहाँ होम पेज से ही रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करने से इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन रीड करके क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। लोकल कैंडिडेट CNIC या बेफॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी या डुअल नेशनल्स NICOP का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जबकि फॉरनर्स पासपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स अपना CNIC, बेफॉर्म, NICOP या पासपोर्ट नंबर जो भी ऊपर चूज करेंगे वो राइट कर दें और केयरफुल होकर राइट करें, बिकॉज एक दफा अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर एडिट नहीं होगा। देन मैट्रिक, SSC या ओ लेवल्स के रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नेम राइट करें और अपना एक एक्टिव ईमेल एड्रेस पुट करें और फिर मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड एंटर करें और उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में पुट कर दें और आखिर में इस कैप्चा को नीचे राइट कर दें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, इसको स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाएं। स्टेप 1 में सबसे पहले अपनी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करें जो कि ब्लू बैकग्राउंड की हो और याद रहे कि सेल्फीज अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आपने अपने CNIC, बेफॉर्म, NICOP या पासपोर्ट की एक क्लियर पिक्चर अपलोड करनी है और याद रहे कि पिक्चर्स का साइज 1 MB से ज्यादा ना हो और दोनों इमेजेस JPG या PNG फॉर्मेट में हों। स्टेप 2 में पहले अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन एंटर करें, अपना नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, देन जेंडर सेलेक्ट करें और फादर का नेम और CNIC नंबर राइट करें। नेक्स्ट अपना एक्टिव मोबाइल नंबर पुट करें, देन अपना प्रोविंस, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और अपनी सिटी सेट करें और फिर नेशनलिटी चूज करें। इसके बाद जिस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कैंडिडेट्स ने FSC या A-Levels कंप्लीट किया है उसका नेम राइट कर दें और लास्ट पे पोस्टल एड्रेस या होम एड्रेस पुट कर दें। और अब टेस्ट सेंटर्स चूज करें। तमाम कैंडिडेट्स को 2 टेस्ट सेंटर्स चूज करने होंगे। प्रेफरेंस 1 में कंट्री और प्रोविंस चूज करने के बाद वो सिटी चूज करें जहां आप इजीली जा सकते हैं और प्रेफरेंस 2 में भी कोई ऐसी सिटी चूज करें जहां आप इजीली जा सकें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे और स्टेप 3 में चालान फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लें और 3500 रुपीज फी HBL की किसी भी ब्रांच में पे कर दें और फिर पेड फी चालान की एक पिक्चर इधर अपलोड कर दें। स्टेप नंबर 4 में फॉर्म की फाइनल सबमिशन कर दें। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेटमेंट योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अलावा आपको फाइनल सबमिट का कोई ईमेल या SMS सेंड नहीं किया जाएगा और फॉर्म सबमिट करने के बाद तमाम कैंडिडेट्स अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।